नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। लेकर चलते हैं आप। हाल ही में बड़े गैस मूल्य वृद्धि, सरकारी संस्थाओं का निजीकरण और गांव में छुट्टा पशुओं के खिलाफ लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी के तत्वाधान में वाराणसी में कचहरी स्थित शास्त्री घाट पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी के लोगों द्वारा सरकार को चेताते हुए गैस मूल्य वृद्धि तत्काल वापस लेने और देश के तमाम सरकारी संस्थाओं को बेचने या निजीकरण का फैसला वापस लेने के साथ ही प्रदेश में छुट्टा पशुओं से हो रहे किसानों के नुकसान की भरपाई तथा छुट्टा पशुओं को सरकार गौशाला में पहुंचाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इन तीन प्रमुख मांगों को लेकर लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी ने हुंकार भरी है। पार्टी के लोगों ने कहा कि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम आगे की रणनीति तय कर आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। वाराणसी से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट। इंद्रजीत पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोकतांत्रिक जनवादी पार्टी। आज हम लोगों को तीन सूत्री मांगों के साथ हम लोग धरना दे रहे हैं। इसमें पहला हमारा जो बिंदु है, गैस मूल्य वृद्धि वापस लिया जाए। दूसरा, जो सरकारी संस्थाएं हैं उनकी निजीकरण व्यवस्था जो है वो बंद किया जाए। तीसरा, गांव-गांव में छुट्टा पशुओं से हो रहे किसानों के नुकसान की भरपाई सरकार करे और छुट्टा पशुओं को या तो गाँव से उठा कर गौशाला में रखने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। इसी तीन बिंदुओं पे हम लोग आज धरना दे रहे हैं। यह आज हम लोग का एक दिवसीय धरना है और यह धरना 2 बजे तक हम लोग का चलेगा। हम लोग ज्ञापन सौंपने वाले हैं महामहिम राज्यपाल जी को द्वारा मुख्यमंत्री जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। नहीं, हम लोगों ने कहा है कि अगर हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है और इन बिंदुओं पर सरकार अगर चर्चा नहीं करती है तो हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे कि क्या करना है हम लोगों को, किस तरह से आंदोलन करना है।